नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक सर्वो का 50 kVA, जिसकी इनपुट वोल्टेज है, मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए एक मिनट ज़रा। (300 to 470) इनपुट है, आउटपुट 415 है, प्लस माइनस 1% है। कैपेसिटी 50 kVA है, फेज 3 है, नंबर ऑफ फेसेस 3 है इसमें। 70 A इसका आउटपुट करंट है, ये इसका सीरियल नंबर है। और इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या लगाया है। बेसिकली ये 50 kVA अनबैलेंस टाइप का सर्वो है, इसमें तीनों कंट्रोल्स अलग अलग हैं जो वर्किंग करते हैं, देख सकते हैं आप। और इसमें हमने एक ट्रिपिंग सिस्टम के लिए LNT का कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, X70 मॉडल, जिसकी कॉइल वोल्टेज है 240। अब देखते हैं इसकी वर्किंग और परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इसकी वोल्टेज ज़रा कम करना सेकंड पीछे, ये वर्किंग करता है 170 वोल्ट लोअर एंड हाईअर बाय 270 वोल्ट तक। आउटपुट है इसकी 235, अभी देख सकते हैं आप 165 वोल्ट। अभी इसकी आउटपुट वोल्टेज है 233 एंड द इनपुट वोल्टेज इज गोज टू 165 वोल्ट। इसी तरह ही तीनों फेसों में डिस्प्ले आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके प्रोग्राम मोड में जाके इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं अंदर की, कि क्या इसकी ट्रिपिंग है और क्या इसमें वर्किंग कर रहा है। थोड़ा सा नीचे। अब हम इसकी प्रोग्रामेंट सेटिंग्स देखते हैं, कैसे इसके अंदर क्या सेटिंग्स करी हुई है। अभी लो कट ऑफ इसमें 201 वोल्ट पे है, जो हम इसको सेट करके 195 वोल्ट पे कर देते हैं। और हाई कट ऑफ इसमें 260 वोल्ट पे है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और टाइम डिले का जो इसमें सिस्टम है, 5 सेकंड का कर रखा है, इसको हम कम करके 3 सेकंड कर देते हैं। और सेंसिटिविटी इसमें जो है 3 वोल्ट की है, जो रेट ऑफ करेक्शन है वो 3 वोल्ट पर सेकंड का अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो ठीक है ये। तो इसको हम मोड से बाहर निकल आए हैं अभी फिलहाल, ये हमने इसकी सेटिंग कर दी है। अब देखते हैं, जैसे ही हम इसको मैनुअल मोड करते हैं तो मैनुअल मोड की लाइट ग्लो करने लगती है, जिसमें ही आप देख सकते हैं मेंशन करा हुआ है। जैसे ही हमने मैनुअल किया है, ये मैनुअल वर्किंग करने लगेगा। तो मैनुअल हम इसको बैक एंड बूस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वोल्टेज, इसकी आउटपुट वोल्टेज हमने 195 वोल्ट पे इसका लो कट ऑफ लगाया था, तो जैसे ही इसका कट ऑफ 95 से नीचे जाएगी वोल्टेज आउटपुट की, वो अपने आप ट्रिप कर जाता है, देखने हो गया है। और जैसे ही इसकी वोल्टेज आपकी बराबर आएगी 200 के आसपास, आउटपुट इसकी विद इन 3 सेकंड ऑन हो जाती है। तो उस हिसाब से, और जैसे ही हम इसको ऑटो मोड पर करेंगे, तो इस हिसाब से हमने तीनों कंट्रोल्स की सेटिंग अपनी कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो टर्मिनेशंस हमने जो प्रोवाइड करी हुई है, ये भी कंप्लीट कॉपर की टर्मिनेशंस हैं विद ग्रेटिंग। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें अल्मोनियम की टर्मिनेशंस करते हैं, और ये नीचे दो अर्थिंग के पिट दिए हुए हैं, बेसिकली अर्थिंग करने के लिए हमने, जिसमें आप अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अपना 200 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल आ जाएगा, जो हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।